हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू पीपल डूइंग। एक्चुअली यार, आज ना वेदर बहुत साफ़ है, आसमान बहुत साफ़ है, और मुझे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बाहर जाया जाए ऐसे साफ़ आसमान में, क्योंकि आजकल क्या है ना, इतनी बारिश हो रही है, बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बट आज सूरज बहुत अच्छे से निकला हुआ है और बादल भी साफ़ हैं, एक भी काला बादल नहीं दिख रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। सो आई वॉज थिंकिंग टू गो टू कॉलेज, और यार मैंने सुना था कि डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर आई चेकअप हो रहा है फ्री, मतलब फ्री में तो क्या, 20 रुपये में हो रहा है, तो 20 रुपये क्या ही होते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं जाऊँ और चेक करवाऊँ, और ज़रा देखते हैं कैसा होता है। पहले कॉलेज को जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं, फिर हम ज़रूर जाएंगे। और अगर अच्छे से हो गया आई चेकअप तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे हम कैसे कैसे होता है, और आप भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जाएंगे और पता करेंगे, लेट्स गो। दोस्तों, मैंने सुबह आप लोग को बताया था ना कि आई चेकअप करवाने कुछ ना कुछ तो है, तो मैं पहुंच गया हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर, और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं हम लोग यहाँ जाके आई चेकअप करवाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस होती है, कहाँ पे क्या मिलता है, सब बताएंगे आपको। और ये रहा सामने हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अरे यहाँ ये धक्का मार के पार्क गाड़ी निकाल दी है, और यार हम सीधा गाड़ी अंदर लेके गए ना, तो बोला कि स्टाफ पार्किंग है तो हमको गाड़ी अंदर नहीं ले जानी थी। यहाँ पहुँच के भाई पुरुष की लाइन में पर्ची काटो सबसे पहले, देखो विवेक पर्ची काट रहा है भाई। विवेक बोरा, रोहित मेहता और अमन, हम तीन हैं, बढ़िया आँखों के चेकअप करवाते हैं आज। 6x6 हैं वैसे तो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट फिर भी चक्कर नहीं होता है एक बार। चील की निगाह है, काफ़ी भीड़ है भाई, देखा कई भीड़ हो रही थी भाई। वहाँ पे पर्ची कटवा के ना 28 रुपये की पर्ची कट रही है, 28 रुपये की पर्ची कटवा के सीधा इधर को आ जाना, ये क्या है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की लेफ्ट साइड को, यहाँ से नीचे को है कहीं पर, नीचे ढूंढते हैं कहाँ पर है, विवेक को पता है, विवेक बताएगा। ये है भाई जहाँ पे होने वाली है पर्ची, हमारी आँखें चेक, सो यहाँ पे चेक कराएंगे। तो भाई देखो यहाँ पे आँखें चेक हो रही है, क्या क्या चल रहा है, हो गई भाई आँख चेक। यहाँ पे डॉक्टर है भाई आई चेकअप वाले, हम तो बैठे भाई बैठ गया हूँ भाई अपनी आँखों का चेकअप करवाने के लिए। और ये देखो ये चश्मा होते हैं जो कई अंधेरे अंधेरे जिनका ख़त्म ही आँख होती है उनको दिखाते हैं। और ये है सामने दिख रहा है आपको, ये है जो आप आँखों से चेक करते हो कि आखिर कितना दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से दूर से बैठ के चेक करना होता है। तो अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हम भी चेक करते हैं भाई। 4.5 मिनट भी नहीं लगे टेस्ट होने में, और बिल्कुल 6x6 कलर विज़न भी सब सही है मेरा। कभी आओगे तो यहाँ पे आप भी आके देख सकते हो, और बस 28 रुपये की पर्ची है, दिखाया मैंने आप लोग को पर्ची कहाँ पर से कट रही है ना, वही है। और यहाँ से नीचे को ऐसी वो भी रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया है, खैर मगर इतनी भीड़ है यार यहाँ पे, इतनी भीड़ आखिर क्या है यहाँ पर, मैंने गाड़ी कहाँ लगाई अपनी, वो रही उधर है, आगे से घूम के जाएंगे। कोई पहचान का दिखता है तो बताना भाई यहाँ पे, इसलिए तो कैमरा बंद नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई पहचान का दिख जाए आप लोग को, क्या पता ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो रही मेरी गाड़ी। पता नहीं यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतनी जल्दी काम कैसे हो गया मेरा। और ये देखो पर्चा, पर्चे में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, अब वो रोशन और विवेक भी थे, बच्चे घरदार हैं। और ये हमारी गाड़ी है, ज़रा ओए सीट ऐसी गर्म हो रही होगी ना इसमें, ओए होए होए पूरा पूरा ऊपर सड़ तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली आई वॉज जस्ट गोइंग टू माई होम एंड आई सॉ दिस विवेक स्कूटी, थॉर वाला एडिशन है ना, इस वाले को देखा मैंने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऊपर गया है चने लेने, कच्चे चने लेने, जो सूखे नहीं होते, जिनको पानी में डाल के फूल जाते हैं वाले चने लेने गया है भाई, बॉडी बनाने वाला है भाई अपना, इसलिए वो ले रहा है। हाँ इतने होते हैं, कितने होता है वो वाला लेने गया, ये सेब जितने उजाते हैं कभी कभी। तो यहाँ से घर को जाता हूँ, बस देखो क्या क्या टाइम है यार, आसमान देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है भाई। अभी तो नहीं यार, पता है घाम ऐसा चट वाला लग रहा है ना, क्या बताऊँ, काला हो गया, वैसे ही काला था मैं और थोड़ा काला हो गया हूँ अपने यार। जब घाम लगना चाहिए ना तब आता नहीं है धूप, जब नहीं लगनी चाहिए तब आती है, इसका भी उल्टा ही है कुछ ना कुछ। और ये विवेक पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ, क्या कहते हैं खेत से उखाड़ने गया है, चने पता नहीं क्या करने गया है विवेक। ओह आराम से बोल, नीचे फोन कर रही है मेरे को, यहाँ से ऊपर से फोन कर रहा है, नीचे पुरानी कौन है भाई, तो भाई फटाफट क्यों नहीं आ रहे हो, हेलो गाइस बोल दे यार, हेलो गाइस एक और बार,
हेलो गाइस, देखा यकीन नहीं आ रहा होगा तो देखा ये फोन लगा रहा है और गति यहीं पर है। मैं ऐसे चिल्ला के ऊपर बात कर रहा हूँ और ये है कि ऊपर से नीचे आके फोन लगा रहे हैं। नवाब साहब, नवाब साहब, फटाफट आ भाई, वीडियो बन रही है तेरी, जल्दी आ। अब जाके थोड़ी शांति हुई यार, उस समय से ऐसी गर्मी हो रही थी ना, धूप थोड़ा बहुत यहाँ पर हो गई है, दिख रहा है वैसे यहाँ से तुमको, पहले पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे साइड में है, थोड़ी देर और रुकते हैं। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई आई चेकअप, राइट, डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने करवाया था ना, तो मैं आपको उसकी थोड़ी डिटेल्स देता हूँ। तो क्या है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने पर्ची कटवाई थी, तो वो पर्ची कटवानी है आपको। पर्ची कितनी की है, 28 रुपये की, खुले लेके जाना है, क्या पता 2 रुपये वापस ना दें वो लोग, 30 रुपये दो, 2 रुपये वापस ना दें, फिर कैसे चलेगा, 1 रुपया भी नहीं छोड़ना हुआ। जैसे ही पर्ची कटाओ, फिर वो डिस्ट्रिक्ट से चलते चलते लेफ्ट लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में अंदर को दिखाया तो है मैंने, समझ जाओगे आप लोग, उदेरी पर जाना है और वहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे, डॉक्टर साहब, आपको आपको पर्ची दिखानी है उनको, और आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट, और दूर से एक आँख से वो शब्द बताने वाला टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको करवा देंगे वो। मेरा 6x6 आया, कलर ब्लाइंडनेस भी बिल्कुल तगड़ी है और 6x6 भी है आँखें मेरी, तो मेरा तो सही है, आप भी चेक कर सकते हो चाहो। मैं ऐसा नहीं होता वैसे कि मतलब अगर ख़राबी होता भी चेक करना, ऐसे ही जाके चेक करवा लेना, बोलना भर्ती वाले हैं और करवा लेना, बस ख़त्म बात। अब बस वेट हो रहा है इसका, बट आते तो फिर चलते हैं यार। अगला टूर कहाँ का मारे सोच रहा हूँ, अरे वही अगला टूर कहाँ का करें, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं सोच रहा था लद्दाख की, बट यार लद्दाख के लिए थोड़े और लोग होने चाहिए ना, 2-4 और हैं तो सही, वैसे काफ़ी मेरे को बोल रहे थे, बट आप बता देख लेना। हाँ फटाफट देखो, लद्दाख जा रहा हूँ, फटाफट सब्सक्राइब करो, फटाफट वॉच टाइम पूरा कराओ, पैसा आएगा और जाएंगे लद्दाख एंकर, कहाँ रही दिक्कत, मैं जाऊँगा मेरे साथ, तुम भी तो जाओगे, मेरी फैमिली हुई तो नहीं है। बस थोड़ी देर रुक, चलोगे आप भी लद्दाख? आंटी लोग मेरी बातें सुन रही हैं यहाँ पर, जल्दी देखते, ये आ नहीं रहे, इसने पगले आ दिया ना, इस वजह से हो रहा है। फाइनली द बॉय हैज केम, चने लेके आ रखे है भाई अपना, अब जाते हैं यार, गाड़ी को धुलवाना भी था, कहीं गंदी हो गई है, देखो मिट्टी, ये देखो मिट्टी दिखाई दे रही है मेरे को उंगली में, इसको सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग टू वॉश दिस। ओके भाई, ये अंशु का बैग मेरे पास ही रह गया है, अभी देना पड़ेगा उसको। और यार पता है आज पता नहीं नंबर प्लेट पता नहीं क्यों कहीं आवाज़ कर रही है, एक बार आप उसकी दुकान में जाके हम नंबर प्लेट चेक करवाते हैं कैसी हो रही है। यहाँ से बस थोड़ा ही है, 10-25-30 मीटर। नो नो, सुन रहे हो आवाज़, सुनो एक बार, सुनिए आवाज़, सुनिए आवाज़, ट्र ट्र आ रही है ना, वो कुछ नंबर प्लेट ढीली हो गई है, उधर जाके चेक करवाते हैं एक बार। ये अंशु का बैग देते हैं, पता नहीं आज ही विवेक बोरा के हमने बैग की छोड़ा है, यहाँ से देंगे। हाँ आंटी नमस्ते, हाँ अब आता हूँ, किसी दिन आऊँगा अब। तू बैग क्यों छोड़ के आया उसके पास, मेरे को पता चल गया है क्यों छोड़ के आया। ना अभी नहीं धोई यार, वो बंदे है ऊपर वाला है, पता नहीं यार। ये देखो ये नंबर प्लेट है, ये देखो ये आवाज़ कर रही थी, और अभी आप रोज बंद है, बाद में आएंगे इनके पास, अगर यहाँ भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, ज़रा देखते हैं। हेलो क्या हाल है बेटा, यहाँ तो सामान आ रखा है भाई, कुछ भी सामान लेना हो ना तुमको, देखो कितना बढ़िया है, सब सामान है यहीं आके लेना, बाहर से दिखा दो। ये छोटी वाली गाड़ी भी है, मॉन्स्टर क्या है ये, थार है थार, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको ये दुकान, ये देखो मेहर जनरल स्टोर, कल्पासी मेडिकल स्टोर के बगल में ही है, यहाँ से ले सकते हो, किफ़ायती दामों में आपको मिलेगा सारा सामान, बताओ अब सारी की सारी चीज़ें, आना चेक कर जरूर करना है, नहीं है सब सस्ता है। जरूर चेक करके जाना। हाँ। हमारे बाद अग्निवीर, अब डाल दे रे, चलो भाई चलते हैं, हैं पेप्सी हो गया यार, मैं पेप्सी नहीं पी रहा, तुम पियो भाई, चलो भाई चलते हैं। आज मेरा मूड हो गया गाड़ी को यहाँ डालने का, देखो ऊँची वाली जगह में डाला हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ रखता हूँ मेनली, बट ऊपर रख दिया। तो यार ऐसा है ना, आप गाड़ी धुलवानी है, नंबर प्लेट सही करवानी है, वो खाना खाने गया होगा यार वो, आप रोज़ बाइक वाला ना, इस वजह से नहीं दिखा, और पॉल्यूशन भी बनाना है मेरे को, पॉल्यूशन का जरूर याद दिलाना, मैं बार बार भूल जाता हूँ, 1 महीना है वैसे अभी, बट फिर भी 1 महीना है तो क्या हुआ, पहले बना लेते हैं तो सही रहेगा। तो खैर अभी तो घर आ गया हूँ मैं, पॉल्यूशन का अगली या परसों की वीडियो में कभी कमेंट मार देना अगर मैं भूल जाऊँ कहीं तो, ठीक है। पता है इतनी चटक की धूप लग रही है, और घर तो मैं पहुंच ही गया खैर, बट अभी छत में जा रहा हूँ,
क्योंकि सुबह वीडियो बनाते समय देखा होगा तुमने, कपड़े सुखा रहा था ना मैं, देखा नहीं देखा पता नहीं, ये देखा तो एक बार बैक करके देख लेना, तो उन्हीं को उल्टे आते हैं ज़रा, क्योंकि अगर उनको उल्टा नहीं करोगे तो सूखते नहीं है ना वो, और अगर सूख गए होंगे तो नीचे ही ले चलते हैं। आज देखो यार, हाँ क्या धूप है, बढ़िया वाली धूप लग रही है। यहाँ पे हैं ये कपड़े, फिर सब इनको पकड़ के दौड़ता हूँ, सूख गए हैं यार। चलो इनको ऊँचा देते हैं, ले जाते हैं अपने साथ नीचे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, छोटे बच्चों का स्कूल है ना यहाँ पे हमारे घर के सामने ही। सुबह 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 के टाइम पे प्रेयर की आवाज़ और जन गण मन की आवाज़ आती रहती है इनके यहाँ से, इसी से नींद खुलती है मेरी, इनकी आवाज़ से नींद खुलती है। से एक जंगिया रह गया मेरा सूखना, इसको डाल दे, सूख जाएगा थोड़ी देर में, मोटा कपड़ा है ना, लेट लेट सूखता है। लेट अस गो आउटसाइड, लेट मी सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय एरिया। रोड में जाएंगे इसलिए, इट्स वेरी क्वाइट अराउंड हेयर। दिन का समय है ना, सब खाना खाने जा रखे हैं, दुकानें बंद हैं। अमित दा भास्कर दा की दुकान खुली है बस, भास्कर दा के यहाँ से लेते हैं कुछ आइसक्रीम या स्टीम कुछ पीते हैं, यही है। क्योंकि मैं यहाँ से लेता हूँ क्योंकि पेटीएम यही यूज़ करते हैं ना यहाँ, इसलिए भास्कर दा के यहाँ से लेंगे। अकेला ही पीऊँगा दोनों के दोनों, नहीं यार अकेला नहीं पी सकता, एक बाइक ले जाता हूँ। हेलो, क्या हाल? ये सड़क, हमारे घर की सड़क। ओ दिनेश क्या कर रहा है दिनेश? हेलो हेलो बोल, हेलो दोस्त, हेलो बोल दो, मेरे से दोस्ती करोगे? ए हे, ये तो स्टाइल दिखा रहा है, तो स्टाइल दिखा रहा है मेरे को। हेलो बोल दो, हेलो बोल। यार देख तो यहाँ पे मुर्गियाँ हैं भयंकर, इनको पका के खाने में क्या मज़ा आएगा, पकड़े एक गोल कर दे रहे हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये तो आग गाड़ी कहाँ डाल रखी है मैंने, मज़ा आ जाता है यार। इसको धोना था, मैं भूल गया धोना, ना ना भूल गया नहीं, मतलब दुकान ही बंद थी, वो जो 100 रुपये में फॉर्म की सफाई करते हैं ना वो बंद थी, और नंबर प्लेट वाले के लिए आफ रोज की दुकान भी बंदी थी। हाँ अभी खुल गई, अभी जाता हूँ एक चक्कर दिखा के आता हूँ एक बार इसकी। चलो ठीक है, क्या क्या याद आया यार, ये देखो ये सारे प्रसाद की जड़ी है, ये ऐसी आवाज़ कर रही है गाड़ी चलते समय, बाकी तो सब सही है। इसको यहाँ एक बार डबल टेक लगा के देखता हूँ यार मैं, ऐसे ही घर में कस के देखते हैं ज़रा, अगर होता है तो ठीक है, खाली कहाँ लगे रहें बाहर जाने में, है ना। जस्ट वेट एंड वॉच। और मिट्टी देखो कितनी हुई है, मिट्टी गाड़ी धोनी है यार कल। बन गया भाई ये ना, इसमें मैंने देखो ये डबल टेप लगा दिया है, और यहाँ पर भी इसके पीछे ये देखो यहाँ पर भी डबल टेप लगा दिया, तो है तो अभी भी खैर ढीला ही, बट आवाज़ उतनी नहीं आएगी। अब इसको बाद में दिखाएंगे, कभी बाद में किसी और दिन तब होगा बढ़िया। इसको दोबारा लगा देता हूँ अपना, मैंने निकाल दिया था जब मैंने अपने हैंड गार्ड लगाए थे तब निकाल दिया था, बट अब मैं सोच रहा हूँ इसको दोबारा लगाता हूँ, मेरे गंदा हो रहा है, इसको धोता हूँ पहले फिर लगाऊँगा। टाइगोंडो के प्लेयर। समय कैसे गुजरता है, दिन कब रात हो जाती है मुझे आजकल पता ही नहीं चलता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी गाड़ी देख रहा था, धूप इतनी तेज आ गई थी, और अभी अंधेरा होने वाला, मतलब अंधेरा यार शाम हो गई है। तो खैर अभी हम जाते हैं दीप सिंह की तरफ दौड़ने के लिए, दौड़ना क्या ही दिखाऊँ आपको, बस उधर को जा रहा हूँ बता रहा हूँ, वापसी में क्या पता कोई दिख जाए पहचान का। वी वायरस में भाई डांस चल रहा है, देखो क्लासें शुरू हो गई हैं, अंदर नाच रहे हैं, देखा आप भी आ सकते हो सीखने, बच्चे हैं सब यहाँ मगर। पता है भाई लोग अभी क्या कहते हैं फुटबॉल खेल के, हम बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल रहे थे, काफ़ी मज़ा आ गया। और मैं खैर अभी आ रहा हूँ, ये नीलकंठ वाली रोड है ना, इस वाली रोड से आ रहा हूँ। एक रोड एक्चुअली बाघली वाली भी है, जो ऊपर बाघली है ना वहाँ से भी रोड है, बट आजकल वहाँ बाघ आ रहे हैं ना, तो इस वजह से उस वाली रोड से नहीं जाते हम, वो वैसे ज़्यादा पास है, अगर दिन के टाइम आप आ रहे हो तो बाघली से ही जाना, वहाँ ज़्यादा पास होता है। तो बराबर चलते हैं अब घर की तरफ, वो टाइम भी हो गया है यार। मेरे को यार राहुल दिखाई दे रहा है आगे, ज़रा उससे बात करते हैं चलो फटाफट, शायद भर्ती के लिए आया होगा।
तो भाई आज हमको यार हमारा भाई मिला हुआ है, बहुत टाइम से हमारे बचपन में मेरे साथ पढ़ता था पता है, और इतना अच्छा बढ़ती दिन आया भाई तू। हाँ भाई गुड यार। और क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है मतलब कैसा हो रहा है थोड़ा इनको तो बताओ हमको यार। बस यार मतलब दौड़ो मतलब दिल लगा लो भाई। कीचड़ तो नहीं हो रहा है, कीचड़ रुपाई लग रही है भैया, रुपाई लग रही है, रुपाई लग रही है यार। ओहो चल बढ़िया हो गया तेरे से, थैंक यू भाई। भाई आसमान में देख रहे हो यार, इस वीडियो में दिखाई नहीं देगा बट मेरे को बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, पता नहीं क्या है, 15-16 सारी की सारी एक साथ तारे जैसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15-16 सैटेलाइट्स जो हैं एक साथ चल रहे थे, स्टार्स हैं कि पता नहीं क्या थे, और बहुत अच्छा लग रहा था यार देखने में। आज 12 तारीख, अगर आप में से भी किसी ने देखा हो आसमान में ऐसा तो कमेंट ज़रूर करना, और कोई अगर है एस्ट्रोनॉमी वाला मतलब कोई है दिलचस्पी रखने वाला तो मेरे को बता सकता है भाई कि आखिर ये है क्या चीज़ है। घर के रास्ते में पहुंच गए हैं भाई हम लोग, और जो वो कॉमेट टाइप का था ना बहुत अच्छा लग रहा था यार देखने में, पता नहीं क्या था वो बट मज़ा आ गया देख के। सिन्ना लग गया हाथ में यार, ये सिन्ना था, ये देखो बूढ़, मैंने आज दिन में ही चेक किया था, ये बूढ़ पूरा आया हुआ है रास्ते में आया हुआ है, मगर फिर भी मैं भूल गया अभी हाथ आए करके, बट कोई बात नहीं। आज के दिन में यार वैसे कई मज़ा आया, आँखों का चेकअप जो मैंने मेन करवाया था, आप चाहो तो आप भी करवा सकते हो, बहुत अच्छा है वो, मतलब खाली चेक ही तो करवाना है। खैर अब पहुँच गए हम घर, थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, तो वीडियो करते हैं ख़त्म और मिलेंगे आपसे हम लोग नई वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।